ये 35 एज ग्रुप की रेस स्टार्ट होने जा रही है। हमारे सामने जो एक हमारे साथ के ही खिलाड़ी रेलवे में हैं कार्यरत वशिष्ठ, ये देखिए, और ये स्टार्ट लिया। बहुत बढ़िया, सभी एथलीट इनर ट्रैक का विशेष ध्यान रखेंगे। आपको लीड करना राइट साइड से करिए, अंदर ट्रैक फॉलो नहीं करेंगे, ट्रैक जजेस ट्रैक अंपायर बैठे हुए हैं। ये वशिष्ठ जो रेलवे के प्लेयर्स हैं, देखिए, ये इसके तुरंत बाद हर्डल लास्ट लैप होनी है, सभी खिलाड़ी तैयार रहेंगे। वशिष्ठ अकेले ही सबको तुरंत बाद हर्डल होनी है 100 मीटर के लिए, 200 मीटर 100 मीटर के लिए माने रखते। और ये वशिष्ठ रेलवे में कार्यरत है और फिनिश करते हुए बहुत ही तगड़े प्लेयर है 800 मीटर के। ये देखिए, ये देखिए, ये वशिष्ठ भाई जो फिनिश किया। सभी एथलीट ध्यान दें, अरे इधर देखो, वुमेन कैटेगरी और मेंस कैटेगरी सभी एथलीट ध्यान दें। ये फिनिश किया एथलीट हर्डल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 80 मीटर, 100 मीटर और 110 मीटर स्प्रिंट हर्डल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो बिना किसी देरी के, बिना विलंब किए हुए 100 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट पर तुरंत रिपोर्ट करें। सभी हर्डल के प्रतिभागी तुरंत रिपोर्ट करें, वरना फिर आप इसमें सोचना से बाहर हो जाएंगे। इधर हमारे सामने जुगंदर भाई, टाइम ट्रायल के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, टाइम ट्रायल के लिए हम तुरंत पहुंचे। ये हमारे सामने जो हैं जोगेंद्र भाई, ये रायबली एसटीसी साई में थे और भगवान का शुक्र है कि हमारे सीनियर थे, बहुत ही रेस्पेक्टिव और अच्छे इंसान हैं। इस समय शायद भैया आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं अभी? जो वॉलंटियर्स के हर्डल, माफ कीजिएगा भैया, हमारे आरटीओ हैं, अगर कोई गाड़ी वाली पकड़े फोन कर सकते हैं। और ये जयप्रकाश सिंह है जो अभी वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किया है, मस्केट ओमान, मस्केट राजधानी ओमान में हम इनके भी हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, सीनियर भी हैं। और इस समय ये क्या है हमारे साथ मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का फिजिकल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में कार्यरत हैं, ताकि अगर हर्डल गिरता है तो आप तुरंत उसको उठा दीजिए, क्योंकि टाइम ट्रायल होना है।